नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पंवार और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर राजपूत वंश की उत्पत्ति के बारे में, यानी राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक लगा लीजिएगा राजपूतों की उत्पत्ति, टॉपिक है। राजपूतों की उत्पत्ति हमारा टॉपिक है। इसके अंदर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग तथ्य बताए हैं। सबसे पहला जो तथ्य है वो आता है पृथ्वीराज राशो। पृथ्वीराज राशो लिखा है चंद्र वरदाई, ये एक चारण कवि है। चंद्र वरदाई इन्होंने लिखा है और इन्होंने इस ग्रंथ में बताया माउंट आबू के गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, ध्यान रखिएगा, अग्निकुंड से या हवन से चार राजपूत जातियां उत्पन्न हुई है। ध्यान रखिएगा, उत्पन्न हुई है चार राजपूत जातियां। कितनी राजपूत जातियां? चार। अब प्रश्न आता है कि वो चार राजपूत जातियां कौन कौन सी है, तो एक बढ़िया ट्रिक है उसका, प्रति परम चाचो, इस तरीके से याद रख लेना है, है ना। बढ़िया ट्रिक है याद रखने का कि चार राजपूत जातियां कौन सी है, प्रति परम चाचो। प्रति से हैं प्रतिहार, प्रतिहार। परम से हैं परमार, परमार। और चा से हैं चालुक्य, चालुक्य को सोलंकी भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है, चालुक्य या सोलंकी। और चौ से है चौहान। ये चार राजपूत जातियां गुरु वशिष्ठ के माउंट आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है, ऐसा बताया है चंद्र वरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज राशो के अंदर। यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति इन्होंने अग्निकुंड से माना है, यानी राजपूत जो है वो उत्पन्न हुए हैं कहीं ना कहीं आबू पर्वत के अग्नि कुंड से, ऐसा कहा है गुरु वशिष्ठ ने। ध्यान रखना है आपको, इनकी उत्पत्ति आबू पर्वत पर बताई गई है और यज्ञ से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये ध्यान रखना है पहला। अब हम नंबर दो पर बात करते हैं। नंबर दो पर याद रखिएगा, जो पहला हमने बात करी है चंद्रवरदाई के द्वारा, तो अग्नि कुंड से होने के कारण चंद्रवरदाई ने इनको अग्निवंशीय कहा है, एक राजपूत अग्निवंशीय हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, तो एक ग्रंथ आता है हमीर महाकाव्य, इसके लेखक हैं नयन चंद्र सूरी। तो नयन चंद्र सूरी ने कहा
कि राजपूत राजपूत सूर्यवंशी है। ध्यान रखिएगा, राजपूत सूर्यवंशी है, ऐसा किसने कहा है? नयन चंद्र सूरी। अब सूरी से ध्यान रखना है सूर्यवंश, ध्यान रखिएगा, नयन चंद्र सूरी, सूरी से आपको याद रखना है सूर्यवंश। सूरी ने सूर्यवंश कहा है, किस ग्रंथ में कहा है? हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ के अंदर बताया है कि राजपूत जो है वह सूर्यवंशी है, इनकी उत्पत्ति सूर्य से मानी है। ध्यान रखिएगा, इनकी उत्पत्ति सूर्य से मानी है। आगे हम बात करते हैं, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जी एच ओझा, मतलब गौरी शंकर हीरानंद ओझा। इन्होंने राजपूतों को ध्यान रखिएगा वैदिक आर्यों की संतान बताया है, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया है। वैदिक आर्य याद रखना, वैदिक आर्य, क्योंकि ये कौन है? पंडित, और पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा, पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा पंडित जी हैं, तो पंडित जी किसी की बात करेंगे? वेदों की। तो याद रखना है आपको, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने माना है? पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा, ये ध्यान रखना है, पंडित जी हैं, वैदिक आर्यों की संतान बता रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों को शक हूण कुषाण या फिर इन दोनों को मिलाने से एक शब्द बनता है सीथियन, ठीक है, तो शक एवं सीथियन से या फिर शक हूण कुषाणों से राजपूतों की उत्पत्ति किसने बताई है? कर्नल जेम्स टोड ने बताई है। ध्यान रखिएगा, शक हूण कुषाणों से, शक हूण कुषाण, ये तीनों ही जातियां कैसी जातियां हैं? विदेशी जातियां हैं, और कर्नल जेम्स टोट भी विदेशी हैं। ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोट भी विदेशी हैं, और इसने राजपूतों को भी विदेशी जातियां शक हूण कुषाण इनसे उत्पन्न माना है, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा शक और सीथियन से उत्पत्ति मानी है कर्नल जेम्स टोड ने। ध्यान रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने। अगले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, अगले व्यक्ति जिनका नाम आता है सी वी वैद्य, सी वी वैद्य, सी वी वैद्यों ने, ध्यान रखिएगा, जो सी वी वैद्य हैं उन्होंने राजपूतों की जो उत्पत्ति बताई है, राजपूतों की उत्पत्ति बताई है विशुद्ध भारतीयों से उत्पत्ति,
राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूतों को विशुद्ध भारतीयों से उत्पत्ति बताई है। ध्यान रखिएगा, सी वी वैद्य ने, सी वी वैद्य याद रखना है, सी वी, वी से विशुद्ध भारतीय, वी से विशुद्ध भारतीय, ध्यान रखिएगा, सी वी वैद्य इन्होंने बताई है विशुद्ध भारतीयों से राजपूतों की उत्पत्ति। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वी एस स्मिथ, वी एस स्मिथ, वी एस स्मिथ जिन्होंने राजपूतों की जो उत्पत्ति बताई है वो बताइए एक राजपूत हूणों की संतान है। याद रखिएगा, हूणों की संतान माना है, हूणों की संतान। तो ध्यान रखिएगा, आपको याद रखना है स्मिथ हूण, है ना, स्मिथ ने हूणों की संतान माना है राजपूतों को, माना है राजपूतों को। ध्यान रखिएगा, राजपूतों की उत्पत्ति हूणों से किसने बताई है, वी एस स्मिथ ने बताई है। लेकिन सी वी वैद्य जहां पर भी आए, वैद्य तो आपको याद रखना है सी वी वैद्य, वैद्य से विशुद्ध भारतीय, याद रखना है वैद्य से विशुद्ध भारतीय बताया जाएगा। आगे हम बात करते हैं, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों से, याद रखना है डॉक्टर भंडारकर ने कहा है कि राजपूत विदेशी ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। ध्यान रखिएगा, भंडारकर के बारे में भंडारकर ने कहा है कि विदेशी जो ब्राह्मण हैं उनसे राजपूत पैदा हुए हैं। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है, विदेशी ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। तो ये तमाम अलग अलग प्रकार के तथ्य हैं जिनके आधार पे हमने बात करने का प्रयास किया कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है। एक इतिहासकार हैं कनिंघम, कनिंघम उन्होंने राजपूतों को कुषाणों से उत्पन्न माना है, कुषाणों से उत्पन्न माना है। ध्यान रखिएगा, कनिंगम कुषाण, कनिंगम ने कुषाण माना है, स्मिथ ने हूण माना है, और कर्नल जेम्स टॉड ने शक, हूण, कुषाण ये तीनों माना है। ध्यान रखिएगा, तो कनिंगम से आपको याद रखना है कुषाण, और स्मिथ से याद रखना है हूण, और कर्नल जेम्स टोड से याद रखना है शक, हूण, कुषाण, या शक और सीथियन, है ना। और आपको याद रखना सी वी वैद्य, तो उससे याद रखना है विशुद्ध भारतीयों से उत्पत्ति मानी है, डॉक्टर भंडारकर तो याद रखना है ब्राह्मण, जो विदेशी ब्राह्मण हैं उनसे उत्पत्ति मानी है, चंद्रवरदाई अग्निवंशीय कहता है, नयन चंद्र सूरी सूर्यवंशी बताता है। तो इन सभी इतिहासकारों के द्वारा ये तय रूप से बताया गया है कि राजपूत जो है वो अलग अलग जातियों से उत्पन्न हुए हैं, सभी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग राय दी है। ध्यान रखिएगा,